नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक लोन ऑफिसर के बारे में। 2020 जॉब के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन में बहुत सारे वैकेंसीज है, और कितने सारे वैकेंसीज है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो को चले आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले हर जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बात करते हैं कि दोस्तों आप जो बताते हैं कि सर जॉब लोकेशन की बता दिया करो, जॉब लोकेशन में हर वीडियो में आपको बताता हूँ, वीडियो आप पूरा देखते नहीं हो। तो इस वीडियो में मैं पहले ही बता देता हूँ कि कितने सारे एरिया पे जो है ये जॉब अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पे जॉब लोकेशन और इसके वैकेंसीज के बारे में आपको बता देते हैं। टोटल जो पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 1122 पोस्ट जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों ये है लखनऊ में, उसके बाद अंधेरी ईस्ट में है, उसके बाद ये मंजलपुर, एरोड, कागीनाडा, कोल्हापुर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, उसके बाद दोस्तों ये है कनौज, अंधेरी ईस्ट, ये है बड़ोदरा, रतलाम, भोपाल, उसके बाद सिलीगुड़ी, कोयम्बतूर, अमृतसर, जोधपुर, विदिशा, वारंगल, नालगोंडा, चित्तूर, गुंटूर, नासिक, लुधियाना, उसके बाद है दोस्तों ये हुबली, हैदराबाद, अहमदाबाद, आसाम, नासिक शायद दो बार आ गया, उसके बाद गुजरात, चंडीगढ़, उसके बाद गुना, जबलपुर, खंडवा, उसके बाद चेन्नई, पटना, उसके बाद विजयवाड़ा, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे। इसका अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे एरिया पे जो है ये जॉब अवेलेबल है। यदि आप जो है एक्सिस बैंक में यदि आप लोन ऑफिसर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा तक देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में और कुछ मैं बताने वाला हूँ तो एंड तक आप जरूर देखिए, ठीक है। इसमें आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, जॉब टारगेट क्या होगा या नहीं होगा, जॉब प्रेशर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको जो है जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है, आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे हमने क्या किया, एक प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों हमारे जितने भी स्टेट है सभी स्टेट के बारे में अलग अलग मैंने जॉब के लिए जो है प्लेलिस्ट बना के रखा है। आप कभी भी आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, और जैसे कि यहाँ पे जॉब इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जॉब इन उत्तर प्रदेश, जॉब इन महाराष्ट्र, जॉब इन उत्तराखंड, आप इसी भी स्टेट से हो आप वहाँ पे आ जाइए। यदि आप अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा से या राजस्थान से या आप हरियाणा पंजाब से हो, आप जस्ट ये प्ले लिस्ट आप यहाँ से ओपन करके वहाँ पे जितने भी जॉब्स है आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो को यदि पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करते जाइएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अभी इसमें बात करते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन पे। तो अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपको पोस्ट आपको दिखाई देगा। दोस्तों, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से जाके आप जॉब अप्लाई कर सकती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए दोस्तों जैसे वो ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे ही आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको दिया गया है, और यहाँ पे हर एक 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 कॉलम में दोस्तों आपको करीब 10 जॉब जो है 10 जॉब आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो इसमें एरो मार्क दिया है, इसके सामने आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल मैं जो हैदराबाद में हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसका जॉब डिटेल चेक करता हूँ दोस्तों, वर्क प्रेशर के बारे में और काम कैसे रहेगा। देखिए, वर्क प्रेशर जो है क्योंकि दोस्तों ये जो है लोन ऑफिसर है, तो इसके लिए दोस्तों आपको जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन आपको सेलेक्ट करना, आपको सेल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाहिर सी बात है आपको वर्क प्रेशर तो रहेगा ही। वर्क प्रेशर इसके लिए है, आपको काम के तौर पर रहना चाहिए। यदि आपका काम अच्छे है तो वर्क प्रेशर उतना मैंडेट नहीं करता है दोस्तों। और बेसिकली यदि आप तो जाएंगे होम लोन्स में तो होम लोन्स में आपको उतना प्रेशर तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपको जो है थोड़ा मेहनत बहुत करना पड़ेगा वहाँ पे, ऑफिस से ज़्यादा बाहर आपको घूमना फिरना पड़ सकता है। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अभी जॉब डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे रोल और फंक्शन दे दिया है, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कस्टमर सर्विस रिटेल में दिया है, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो रिटेल डिपार्टमेंट में यहाँ पे देख सकते हो। पर्सनल लोन, ठीक है, लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद है, एक्सपीरियंस 3 to 11 ईयर्स दिया है, और जो भी स्किल्स है ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है।
और हम बात करते हैं दोस्तों इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस व्हाइल मेंटेनिंग हाई सर्विस स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, प्रोसेस लोन डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड इंश्योर इट इज़ डिसबर्समेंट, वैलिडेट द सबमिटेड डॉक्यूमेंट एज पर बैंक प्रोसेस एंड पॉलिसी। और कुछ यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्टिमल क्वालिफिकेशंस फॉर सक्सेस ऑन द जॉब, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है एलिजिबल है, काम कर सकते हैं यहाँ पे। नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, आपको नॉलेज होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशंस बोथ इंग्लिश रिटन एंड वर्बल में होना चाहिए, आपको बोलना लिखना दोनों आना चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड मीट द डेडलाइंस, जो भी आपको प्रेशर वहाँ पे रहेगा वो आपको मीट करना पड़ेगा। हाई सेल्स ओरिएंटेशन टू मीट द सेल्स टारगेट एंड कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ये पूरे मेंशन है, आप बताया जाता है इतना, लेकिन इतना भी आपको उतना और प्रेशर नहीं है, आप आराम से इस जॉब को जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। ये सिर्फ मैं एक डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो आपके मन मुताबिक जॉब जो है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही हमने अप्लाई नाउ में क्लिक किया है तो हमारे सामने जो है ये पेज ओपन हो चुका है फॉर्म। इस फॉर्म को जो है हमें अभी फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों हमारे मेंशन है मिस्टर मिस्टर्स जो भी है ये मेंशन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप मेंशन कर सकते हो, मेरे हिसाब से मेंशन ना ही करें तो ठीक रहेगा। उसके बाद अपलोड रेज्यूमे, ये अपलोड रेज्यूमे करके आप जस्ट सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों आपको एक्सिस बैंक के तौर से आपको वहाँ पे कॉल आ जाएगा, आपको आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में जाके यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो विद इन ए वीक के अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग कंपलसरी वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।